गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम बात कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर की। ये चैप्टर थर्ड है ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री का, और इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है, पार्ट टू है ये। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। और लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एटम्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एटम्स क्या होते हैं, और फिर हमने एलिमेंट्स की बात की थी कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को सिंबल से। मैंने कुछ शॉर्टकट भी बताए थे और आपको एटॉमिक नंबर के बारे में भी बताया था कि ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। इस वीडियो में सिर्फ हम एटॉमिक मास ही कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये टॉपिक ना समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ ए सिंगल एटम। अब जैसा कि आप जानते हैं, एक सिंगल एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा, अगर हम एक बार इमेजिन करके देखें कि हम कहते हैं कि एक एटम जो है उसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर हम हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप भी ले लें तब भी, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम किस तरीके से इस सिंगल एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, मास किस तरीके से इसका कैलकुलेट किया जा सकता है? तो ये जानने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है कि एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, दैट इज़ ए, और एक ऑब्जेक्ट ले लिया है हमने बी। इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान के चल रहे हैं कि 12 kg, सपोज कर लो, जैसे मैथ्स में करते हो। तो 12 kg इसका मास ले लिया है और हमें निकालना है बी का मास। तो ये किस तरीके से निकाले? हमने क्या किया, हमने वेइंग मशीन ली है। अब वेइंग मशीन में क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट ए को रख दिया है और ऑब्जेक्ट बी को रख दिया है। और हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है इसका जो मास है ये काफ़ी ज़्यादा है ना, बी से। तो अब किस तरीके से डिफाइन करें? ए ऑब्जेक्ट को डालकर देखा है इसमें, ठीक। और हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई जब हमने ये ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट को वे किया, तो ए ऑब्जेक्ट जो हैवी है, ठीक है, बी ऑब्जेक्ट से। भाई तो फिर अब इस ऑब्जेक्ट का मास हम किस तरीके से निकाले, है ना? तो हमने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, जो 12 kg है, ठीक है, उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये हो गए 6 पार्ट्स। और ये रहा बी ऑब्जेक्ट। इन 6 पार्ट्स को डिवाइड, 6 पार्ट्स में हमने ए ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं, हमने फिर से वेइंग मशीन ले ली है। अब ये जो वेइंग मशीन ली है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है और यहाँ पर हम रख रहे हैं द पीस ऑफ ऑब्जेक्ट ए। एक पीस हमने ले लिया है ऑब्जेक्ट ए का, सिर्फ एक पीस। हमने 6 पार्ट्स में इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, एक पीस ले लिया है। तो तब भी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट ए का जो एक पीस है, जो 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, उन 6 पार्ट्स में से एक पार्ट हमने यहाँ पर रखा है, वो अभी भी हैवी है, ठीक है, मान के चलते हैं, हम इमेजिन करके चलो, अब वो अभी भी हैवी है। तो क्या किया हमने, अब ए ऑब्जेक्ट को हमने कर दिया है 12 पीसेज में डिवाइड। अब उन 12 पीसेज में हमने डिवाइड किया है, तो भाई उन 12 पीसेस में से एक पीस को हमने उठाकर फिर से कहाँ रख दिया है, वेइंग मशीन में, और एक साइड हमने ऑब्वियसली बी वाला रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और दूसरे में एक पीस रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का। किसका? ऑब्जेक्ट ए का। तब हम देख रहे हैं कि हाँ भाई, अब तो ये बैलेंस हो गए हैं, ये इक्वल हो गए हैं। तो हमें क्या पता चला कि भाई अगर ए ऑब्जेक्ट का जो मास है 12 kg है, तो भाई उस एक पीस का मास, भाई 12 पीसेस में हमने इसे डिवाइड किया इस तरीके से, है ना, आप गिन लो, देख लो कितने हुए हैं। तो 12 पीसेस में डिवाइड किया है, तो उन 12 पीसेस का भी मास कितना होगा, 12 kg, और उनमें से एक पीस का मास कितना होगा, 1 kg। और 1 kg जो है इस पीस का मास, हमने क्या किया था, इसमें वे करके देखा था और
किसके इक्वल आया था, बी के इक्वल आया था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ईच पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू 1 kg, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द वेट ऑफ या द मास ऑफ बी इज इक्वल टू 1 kg, है ना। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एक पीस का जो मास है, वन पीस ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझा रही हूँ, लिखना वगैरह बाद में हो जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम नोट्स भी बनाना शुरू कर देंगे। तो ये कह सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इज 1/12 दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये कह सकते हैं कि नहीं। तो भाई हम कह रहे हैं कि बी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1/12 है किससे, ऑब्जेक्ट ए से, मतलब 12वां हिस्सा है ए पार्ट का। तो हम क्या करते हैं कि भाई किसी भी एटम का मास, एटम का अगर हमने मास जानना है तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलते हैं, जैसे हमने इसमें ली थी, है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट ए ले लिया था एक स्टैंडर्ड यूनिट, उसके हिसाब से उसको हमने कट कर दिया है पीसेस में, अब उन पीसेस को हम एज अ यूज़ कर रहे हैं ताकि हम दूसरे ऑब्जेक्ट का मास जान सकें। इसी तरीके से हम एक एटम को, एक एलिमेंट के एक एटम को हम क्या कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर लेके चलते हैं, ठीक है, हम एज अ स्टैंडर्ड की तरह ले लेते हैं, और वो कौन है, वी टेक कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड। अब ये कार्बन 12 क्या है, इट इज एन आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। अब एक और नई चीज़ आ गई, क्या है आइसोटोप, तो हम, मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ, आइसोटोप्स, ठीक है। तो अब ये आइसोटोप्स क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक एलिमेंट है ना, कार्बन, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, और जो कार्बन 12 है वो उनमें से एक है। लेकिन एक पर्टिकुलर आइसोटोप की क्या डेफिनेशन, हम किस तरीके से समझें, क्या है ये नया टर्म, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट्स की क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है, है ना। लिख देती हूँ, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। हम मान के चलते हैं कि जो एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, उसके कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब कार्बन के केस में क्या है, थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्या है कि भाई एटम जो हैं कार्बन के, वो उनमें ना कुछ डिफरेंस होता है एक दूसरे से, जैसे ये हमने एक एटम ले लिया, ये एटम ले लिया, ये एटम ये है, ठीक है, कई सारे एटम ले लिए हैं, तो ये ना एक दूसरे से थोड़े डिफर करते हैं। तो अगर ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, लेकिन हैं ये किसके एटम, कार्बन के एटम, तो हम इनको क्या कह देते हैं, आइसोटोप्स। हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो भाई कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, और कार्बन एलिमेंट ऐसा है जिसके कई सारे नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, और उन नंबर ऑफ आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप जो है कार्बन 12 भी कहा जाता है, ठीक है, कार्बन 12 भी होता है। और नेचर में जो कार्बन 12 है वो काफ़ी अबंडेंट में पाया जाता है, मींस इट इज़ द बेसिक फॉर्म। तो हम बात कर रहे थे कि भाई एटॉमिक मास, है ना, तो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या ली है, कार्बन 12, कार्बन 12 क्या है, एक आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स क्या होते हैं,
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म। और ये डिफरेंट फॉर्म किस तरीके से होती है कि भाई उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफर करेंगे। अगर वो डिफर करते हैं तो हम उनको क्या कह देते हैं कि ये एक दूसरे से अलग हैं, और इनको हम कह देंगे कि ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है ये निकालने के लिए कि भाई एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड लिया है वो है कार्बन 12। अब यहाँ है कि भाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई ये जानने के लिए एटॉमिक लिख देती हूँ पहले मैं, मास ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ना हमें। हम एक मान के चल रहे हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का जो वेट है वो है 50 kg। अब उस 50 kg जो है हमें कैसे पता चला ये 50 kg है, ये 1 kg आया कहाँ से, है ना। तो दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड यूनिट ली गई है। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या यूज़ होती है, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, और जिसको हम AMU की तरह भी लिख सकते हैं। तो भाई एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो भाई इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास यूनिट इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, है ना। हम ये कह सकते हैं कि AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। दैट मीन्स कि हमने जो कार्बन 12 है उसके हमने 12 हिस्से कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने क्या किए हैं, 12 हिस्से किए हैं, और उस 12 हिस्से में से एक हमने पार्ट ले लिया है, एक पीस ले लिया है, जिसको हम कहते हैं, जिसका जो हम यूनिट हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जैसे 1 kg लेते हैं, इसी तरीके से इस एक पीस का जो यूनिट होगी दैट इज़ 1 atomic mass unit। और किस तरीके से हम फिर इसको यूज़ करते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए, यहाँ पर कुछ एलिमेंट के मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। तो एलिमेंट की बात कर लें, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एलिमेंट, और यहाँ लिख रही हूँ मैं एटॉमिक मास यूनिट। मतलब यूनिट्स में हम एलिमेंट्स का किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको वे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जो वेट है इस कार्बन 12 के एक पीस के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि 1 AMU इसका जो मास है 1 AMU है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम ले रहे हैं कोई भी पीस, इसका मास 1 kg है, तो इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो मास है 1 AMU है। फिर कार्बन को लेके चलते हैं, तो कार्बन का जो मास है वो तो आपको पता ही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट ली है हमने। और फिर नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 AMU। फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो भाई ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 AMU। तो अगर एक सिंपल वे में बात करें, पर्सन ले रहे हैं हम और उस पर्सन का जो वेट है 50 kg है, और उसका जो मास है उसका जो वेट है किसकी स्टैंडर्ड यूनिट में लिया जा रहा है, kg की स्टैंडर्ड यूनिट में। तो ऐसे ही हमारे पास एटम्स का मास जानने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ली जाती है, दैट इज़ कार्बन 12, ठीक है, कार्बन लिया जाता है, कार्बन 12 आइसोटोप लिया जाता है, जिस बेसिस पर हम और दूसरे एलिमेंट्स का मास निकालते हैं
और दूसरे एलिमेंट्स के एटम का मास निकालते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आज हम सिर्फ एटॉमिक मास ही पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है जानने में, लेकिन आपने ये बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ये किस तरीके से हुआ है, कमेंट बॉक्स आपको गिवन है, और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।